जय हिंद वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जो आप देख रहे हैं शिक्षा खबर। इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई, फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे CITS 2021 में जो न्यू फॉर्म अप्लाई हुए थे इनका जो रिजल्ट कब आएगा, जो 17 का जो कि रिजल्ट कब आएगा। साथ ही में जानेंगे फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कितना कट ऑफ होना चाहिए, आपके पास कितना मार्क्स होना चाहिए तो आप लोग का फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे सर CITS के बारे में कुछ सर रिप्लाई जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड रिजल्ट के बारे में सर बताइए। तो ये आज की इस वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट कब आएगा। साथ ही में CITS संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले दिन में काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोग से जो भी CITS से संबंधित जो भी जानकारी निकल कर आएगी आप लोग इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि आप लोग जो कि 2020 का भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं जो CITS की फुल जानकारी आप लोग इस चैनल के माध्यम से मिले थे। यदि आप लोग चाहते हैं कि कौन से ITI कॉलेज, NSTI कॉलेज, ITOT कॉलेज बेस्ट हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा। उस कॉलेज वहाँ पे आप लोग कॉलेज हॉस्टल भी मिलेंगे, हॉस्टल में आपकी सारी सुविधा मिलेगी। तो कौन से कॉलेज बेस्ट हैं इंडिया में जो है कि, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे, आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप लोग काउंसलिंग कराते समय उस कॉलेज को भरेंगे, आप लोग को जो है कि काफ़ी बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। तो साथ ही में चलिए बात करेंगे कि इस साल जो कि आप लोग कट ऑफ कितना उठाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। चलिए वीडियो को फाइनल करते स्टार्ट। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूले, साथ ही में शेयर करना ना भूले। देखिए फाइनली आप लोग का जो है कि कट ऑफ इस साल जो है कि, यदि आप लोग का ये जो कट ऑफ आप लोग का जो कि आप लोग यहां देख सकते हैं CITS काउंसलिंग एडमिशन 2021, ठीक है। ये आप लोग का जो कि कट ऑफ जो PDF में दिया रहता है, ठीक है। इस कट ऑफ से अगर आप लोग बात करते हैं तो ये जो है कि आप लोग एडमिशन के तात पर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आप लोग के सबसे पहली बात जो कि फाइट करना पड़ता है, जिस स्टूडेंट का सबसे अधिक नंबर रहते हैं उन्हीं को जो है कि NSTI पास के मिलते हैं। देखिए पास में UP में बात करेंगे, सबसे पास में आपके कानपुर NSTI, ठीक है। NSTI कानपुर, ठीक। मान लीजिए कि NSTI कानपुर में यदि आप जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या चेन्नई में लेना चाहते हैं, ठीक है, लुधियाना में लेना चाहते हैं या मुंबई में, ठीक है। ये जो कि बेस्ट कॉलेज है, इन सब में यदि आप लोग जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं NSTI लुधियाना में, ठीक है, तो ये आप लोग को सबसे फर्स्ट में कितना आप लोग कट ऑफ चाहिए, ठीक है। OBC जनरल SC ST, ठीक है, जनरल OBC SC ST के लिए आप लोग के कट ऑफ की जरूरत है सबसे फर्स्ट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए यदि आप लोग का जो कि 80%, ठीक है, 80% है, यदि 80% से, ठीक है, जो कि 75% या उससे कम 70, ठीक है, 70% है तो आप लोग फर्स्ट जो है कि काउंसलिंग में आप लोग के पास के NSTI में जो है कि फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आप लोग को जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कि NSTI कानपुर, ठीक है, NSTI कानपुर यदि दो स्टूडेंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पर यदि दो स्टूडेंट यदि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का जो कि 80% है, ठीक है, 80% है, एक उस स्टूडेंट का जो कि 79% है, ठीक है, 79% है, तो सबसे फर्स्ट में कानपुर में यदि दोनों जो है कि अपना जो है कि कॉलेज चॉइस किए हुए, अपने दोनों स्टूडेंट कॉलेज चॉइस किए हुए, तो उन लोग को क्या होगा, दोनों यदि स्टूडेंट कॉलेज चॉइस किए रहेंगे तो फर्स्ट में किसको मिलेगा जो कि 80% जिस स्टूडेंट का रहेगा उसको जो कि फर्स्ट में NSTI कानपुर में एडमिशन मिल जाएगा। तो यही कि मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग का जो नंबर सबसे हाईएस्ट रहेगा कट ऑफ, ठीक है, सबसे अधिक नंबर रहेगा तो आप लोग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है कि फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्स्ट जो है कि काउंसलिंग में आप लोग का नाम आ जाएगा। साथ ही बात करेंगे सेकेंड जो कि कट ऑफ कितना उठाएगा, सेकेंड कट ऑफ आप लोग का रहेगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल तौर से यहाँ पे 80 से उठाया तो यहाँ पे 75 से 70 तक आप लोग का सेकेंड कट ऑफ उठाएगा, सेकेंड काउंसलिंग में ये जो है कि कॉलेज लॉक करेगा, ठीक है। साथ ही बात करें रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट के लेकर देख बात करेंगे, देखिए 2018-19 तक का जो बात करेंगे हम लोग, 2018, ठीक है, 2018 को लेकर बात करेंगे, तो आप लोग का जैसे एग्ज़ाम होता था, ठीक है, एग्ज़ाम होते ही आप लोग के 6 से 7 दिन में आ जाता था, 6 से 7 दिन में आप लोग का जो है कि फाइनली 6 से
6 से 7 दिन में आप लोग का जो है कि रिजल्ट आ जाता था। इसी तरह 19 में भी बात करेंगे, देख पुराना रिकॉर्ड उठा रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड के साथ देखिए पुराना में जो कि 6 से 7 दिन में आ जाता, 6 से 7 दिन में आप लोग का रिजल्ट आ जाता था जो कि ठीक है। तो देखिए जो कि 2000 आप लोग का 20 में जो कोरोना महामारी के चलते आप लोग का बहुत ही जो कि डिसबैलेंस हो गया ठीक है, काफ़ी लेट हुए। देख कोरोना महामारी के चलते आप लोग का जो है कि रिजल्ट बहुत ही लेट आए, 2 से 3 महीने लगे हैं ठीक है। तो आप लोग जो कि इस समय सारे जो है कि सुविधा सुधर गई हैं, सारे परिस्थितियाँ इस समय सुधर गई हैं। तो आप लोग का देखिए रिजल्ट 2021 का कब तक आएगा ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, आप लोग वेट कीजिए। देखिए आप लोग का 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था ठीक, 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, सभी स्टूडेंट गए थे एग्ज़ाम देने 17 तारीख को, 17 तारीख को एग्ज़ाम दें। तो आप लोग का लमसम जो है कि आप सभी लोग का जो कि 25 तारीख से ठीक है, 25 तारीख से जो कि 27 तारीख के बीच में आप लोग का जो कि रिजल्ट आ जाएगा ठीक है, 25 से 27 तारीख के बीच में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जैसे ही आएगा आप लोग को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। CIT संबंध कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।